दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पुलिस एक्ट 1861। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 दरअसल क्या होता है इसको आज हम बताने जा रहे हैं। हम अपने देश में आज भी कुछ ऐसे कानूनों का पालन कर रहे हैं जिनका तर्क ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा, या यूं कहें कि आज के समय में इन कानूनों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ऐसा ही एक एक्ट है इंडियन पुलिस एक्ट 1861। यह एक्ट अंग्रेजों ने सन 1857 के विद्रोह के बाद बनाया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ऐसी पुलिस फोर्स तैयार करना जो उनके खिलाफ हो रहे विद्रोह को कुचल सके। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केवल अंग्रेज सरकार के पास ही था। पुलिस फोर्स को तो बस वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे। विडंबना यह है कि आज भी हमारी पुलिस फोर्स सरकार के अधीन ही काम कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और दिल्ली ने अपना खुद का विधान स्थापित किया है, किंतु यह भी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में ही लिया गया था। अन्य प्रदेशों में पुलिस को राज्य सरकार के अधीन ही रखा जाता है। पुलिस को जनता पर अत्याचार करने के वो सारे अधिकार आज भी उपलब्ध हैं जो अंग्रेजों के समय में उपलब्ध थे। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आदि ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे आज तक हमारे देश में चल रहे हैं। इन सब तथ्यों को जानने के बाद सत्ताधारियों और भारतीय नागरिकों से एक आह्वान है, जागरूक बनिए, आज़ाद हिंद में आज़ाद मानसिकता के साथ रहें, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ डालिए। जो हमारा है, हमारी संस्कृति की देन है, हमारे भारत के ऋषि मुनियों की देन है, उसका अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत।